आज हम देखने वाले हैं कि जौ की रोटी खाने के बाद शुगर कितनी इंक्रीज होती है या कितनी कम होती है। नमस्कार, मैं हूं मनोज, डायबिटीज गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। चलिए चेक करते हैं। लिया है जौ का आटा, ठीक है, जौ का आटा 100 ग्राम, ये 100 ग्राम आटा लेकर तो इसको हम साफ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें भूसी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भूसी है, ये देख लीजिए। हाँ, भूसी समझते हैं ना, जो छिलका उसका रहेगा, इसको लेके अब साफ कर लेते हैं, देखते हैं फिर छिलका। जब इसको साफ कर लेंगे, ठीक है, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है ये देखिए कितना निकल गया छिलका, ये देखिए कितना निकल गया, इतना छिलका निकल गया इसमें, ठीक है, 100 ग्राम आटे में इतना छिलका निकल जाता है इसका, आप देख लीजिए। हाँ, तो इस आटे में ये देख लीजिए, इस आटे में इतना छिलका निकल गया, ठीक है, ये देखिए ये छिलका है। हाँ, ये छिलका इतना निकल गया, कितना भाई, अभी मैं गांव में वीडियो बना रहा हूँ, इसकी वजह से थोड़ा सा दिख रहा है आपको, ये देख लीजिए, लगभग लगभग 20 ग्राम आपको छिलका निकल जाएगा इसके अंदर, और ये आटा, ठीक है, या समझ लीजिए हमको आटा कितना मिला है, मिला है हमको 80 ग्राम ही आटा टोटल मिला है, ठीक है, तो ये आटा हो गया हमारा। ये देखिए अभी भी इसमें छिलका आया है, देख लीजिए, ये फाइबर ज़्यादा मात्रा होता है छिलके में, ये जगह रुक कर, ठीक है, ये देख लीजिए। हाँ, और इसका ये छिलका आया, इतना 100 ग्राम में आपको इतना छिलका निकल जाएगा, समझ लीजिए आपको 20 ग्राम छिलका निकल जाएगा। चलिए इसका रोटी बना के दिखाता हूँ, और इसकी पहचान है, इसमें छिलका बहुत ज़्यादा होता है, बस ये गले को चुभता है, बाकी जब आटा पिसा के लाएंगे तो देखो इसका हिस्सा दिखेगा। ये वीडियो में डिटेल सब बताने का था, इसलिए आपको ये सब दिखा दिया मैंने। चलिए, तो हमने जो आटे की रोटी बनाई थी जौ की, उसका देख लीजिए वेट, एक रोटी का वेट कितना आ रहा है 49, ठीक है, और दूसरा वेट कितना आ रहा है 101, यानी कि 100 ग्राम, ठीक है, यानी कि हमने आटा लिया था 80 ग्राम और इसका वेट आया है, ये देख लीजिए रोटी का वेट आया है 100 ग्राम, ठीक है, तो इसमें समझ लीजिए 20 ग्राम पानी है, क्योंकि इसको अच्छी तरह पका लिया गया है। और रोटी देखिए कलर कैसा आया, बहुत बढ़िया कलर आया इसका, ये देखिए, और इसका कलर भी हल्का कैसा होता है, ब्लैकिश होता है, ठीक है, पूरा उसकी रोटी जैसा नहीं होता, और साथ में मैंने ये अचार लिया है, ठीक है, तो इसको खा के दिखाते हैं कि दो रोटी, मतलब सामने 100 ग्राम ये समझ लीजिए जो आटा लिया था, ये जौ का आटा लिया था, और ये उसकी भूसी निकली थी 20 ग्राम, तो ठीक है, तो 100 ग्राम आटा लिया था, उसको छानने के बाद भूसी निकल गई थी 20 ग्राम, और फिर हमने रोटी बनाई 80 ग्राम रोटी की बनाई, तो रोटी जो तैयार हुई, दो रोटी 100 ग्राम की रोटी तैयार हुई है, ये समझ लीजिए। दो रोटी खा के हम आपको दिखाते हैं, पहले शुगर अपनी चेक कर लेते हैं, हमारी शुगर कितनी है, और हमने साथ में ये अचार लिया हुआ है, ये देख लीजिए, ये रोटी और अचार। और भाई ये वीडियो में गांव में बैठ के बनाना हो तो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा वेट का, इस सब का, तो नज़दीक से थोड़ा सा, ठीक है, तो अपना शुगर चेक कर लेते हैं फिलहाल, कितनी है शुगर मेरी, काफ़ी दिन से कमेंट आ रहा है कि भाई वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा, ये देख लीजिए, शुगर आई इस समय मेरी 182, तो सीधी सी बात है, सुबह मैंने थोड़ा सा चाय पी लिया था तो हिसाब से थोड़ी सी शुगर बढ़ के आई हुई है, तो वही हिसाब से, ठीक है, तो शुगर मेरी आई है 182, और मैं फिर अभी ये दो रोटी खाऊंगा तो आपको दिखाता हूँ कि शुगर कितनी इंक्रीज, क्योंकि ये जौ का जो आटा है इसका काफ़ी वीडियो इंक्रीज चाहिए था लोगों को, तो हिसाब से ये बनाया जा रहा है, देखते हैं कि शुगर कितनी आती है इसको खाने के बाद। रोटी देख लीजिए भाई, एकदम ऐसा फटाफट टूट जाती है, देखिए बहुत नॉर्मल रोटी होती टूटती है, ऐसी धड़ाधड़ टूटती है, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं होता है, क्योंकि इसमें लसमपन कम होता है इसकी वजह से। और हमने ये अचार लिया है, आम का अचार लिया हुआ है, वो हिसाब से, क्योंकि हमको रोटी का पता करना है कि रोटी में शुगर कितना होता है, वो हिसाब से, बाकी बहुत फ़ायदेमंद रोटी होती है जौ की, उसको खा के आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसी पर मैं जो पे 2-3 वीडियो बनाने वाला हूँ जो सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए इसको चेक करते हैं क्या आता रिपोर्ट आता है, और वीडियो थोड़ा सा भगाना पड़ेगा क्योंकि
खाते हुए मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा। तो जौ का जो आटा है या जौ के बहुत फ़ायदे हैं आप देख लीजिएगा। गूगल पे मैंने दैनिक जागरण का, जनसत्ता का सबका उठा के इसमें डाला हुआ है। और रोटी बहुत खाने में अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाई जब ये भूसी निकाल देना इस आटे में से, नहीं तो रोटी खाने में बहुत बेकार लगेगी, फिर आप खा नहीं पाओगे। कहोगे कि जो बहुत फ़ायदेमंद, एक दिन खाओगे दो दिन खाओगे बाद रोटी आप नहीं खाओगे, लेकिन ये भूसी जब निकल जाएगी आपकी, देखिए कितनी भूसी निकलती है, 100 ग्राम में आटे में 20 ग्राम भूसी निकलती है, ठीक है। तो उसको ध्यान दीजिएगा, बाकी मैं ये रिपोर्ट 3 बार चेक करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभी खाना खाने से पहले चेक कर लिया हूँ, फिर 1 घंटे बाद चेक करूँगा, फिर इसको फिर 2 घंटे बाद चेक करूँगा। क्योंकि भाई गांव में आया हूँ, कोई यहाँ सिस्टम नहीं है कि कैसे वीडियो, इसलिए जैसा सिस्टम बना है वैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। क्योंकि कई कमेंट आ गए कि कई दिन से वीडियो नहीं आ रहा, रोक दो उसको। अभी मुझे खा के कितना टाइम हो गया, 10:35, ठीक है, 10:35। तो इसको मैं 11:35 को चेक करूँगा 1 घंटे के बाद, तो देखता हूँ 1 घंटे के बाद क्या रिपोर्ट आती है। फिर ऐसे मैं 12:35 यानी 12:35 को भी चेक करूँगा, 2 घंटे के बाद भी क्या रिपोर्ट आती है, वो हिसाब से आपको दिखाता हूँ। बाकी थोड़ा सा वीडियो ऐसा लगेगा आपको कि भाई गाँव का देहात का आपको दिख रहा होगा माहौल कैसा है यहाँ का, वो भी थोड़ा आपको इन्जॉयमेंट मिल जाएगा। हाँ, वो हिसाब से दिखाता हूँ। बाकी फिर मैं कुछ अभी वीडियो बनाने वाला हूँ कि थोड़ा सा नीम का पत्ता, जामुन का पत्ता के खाने के बाद भी ही रिपोर्ट क्या आती है, तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगा, इसी को खाकर रहेगा। तो देखता हूँ मैं रिपोर्ट बनाऊँगा कि कैसे वो पहले खा लेते हैं, फिर रोटी खाने के बाद क्या रिपोर्ट आता है, देखते हैं 1 घंटे के बाद क्या रिपोर्ट आती है। तब 1 घंटा हो चुका है ये जौ की रोटी खाकर, देखता हूँ क्या रिपोर्ट आती है, ठीक है भाई। वीडियो को काफ़ी अच्छा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है भाई। गांव में आया हूँ, ठंडी का मौसम है, बहुत ठंडी लग रही है, हाँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा दो सौ बत्तीस, ठीक है, आप देख लीजिए 232 आया, यानी कि 232, यानी शुगर कितनी बढ़ चुकी है, 18, 20, 40, मतलब लगभग 50 शुगर बढ़ चुकी है 1 घंटे के अंदर, हाँ 232 आया है, यानी कि शुगर 50 बढ़ चुकी है, ठीक है। ये समझ लीजिए इसमें भी है, ऐसा नहीं कि इसमें शुगर नहीं होती है, शुगर इसके अंदर भी होती है, ये मत सोचिएगा, हाँ। लेकिन क्या होता है, इसके बहुत से फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, शुगर होना तो अलग बात है, हाँ, लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। इसका कारण यह है कि इसमें जो फाइबर होता है, फाइबर ज़्यादा होता है, तो इससे क्या होता है, बाकी हार्ट के लिए, मोटापे के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जौ का आटा ये मत सोचिएगा जिसकी किसी शुगर बढ़ रही है तो वो आटा नहीं खाना चाहिए, ये बाकी चीज़ों के लिए, आपका एक आपका जब ये अनाज खाएंगे तो आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ने से क्या होगा, आपको उससे फाइट करने के लिए ताकत मिलेगी, ठीक है। इतनी आ गई है, बाकी फिर 1 घंटे के बाद और चेक करते हैं, तो 2 घंटे की रिपोर्ट भी आ जाएगी, ठीक है, देखते हैं। 2 घंटा हो चुका है भाई, सेटिंग वेटिंग यहाँ कुछ नहीं है, जैसा है इंतजाम करके बना रहा हूँ वीडियो। और जौ का रोटी आप लोग ज़रूर खाइएगा, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ऐसी बात नहीं है, ये मत देखिएगा कि शुगर बढ़ रहा है तो इसके बाद नहीं खाने का, नहीं तो आप क्या चीज़ खाएंगे, कोई भी चीज़ खाएंगे तो आपको शुगर बढ़ के ही आएगी, ऐसा बात समझ लीजिएगा, कुछ भी आप खाएंगे शुगर आपकी बढ़ के आएगी। ठीक है, दिख रहा होगा 285, देख रहे हैं शुगर कितनी बढ़ गई 285, आप समझ रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था एक दिन कि आप 100 ग्राम कोई भी चीज़ खा रहे हैं, 285 शुगर बढ़ के आई है 2 घंटे के अंदर, आप समझ लीजिए इस बात को, इसका 10% का वेरिएशन समझिए, क्योंकि मेरी शुगर हाई थी, मुझे थोड़ा सा धूप लग रहा है चेहरे पर, इसलिए मेरा चेहरा थोड़ा सा वो लग रहा है, तो धूप थोड़ी सी ज़्यादा थी, जब धूप ज़्यादा रहने से क्या होता है, थोड़ा सा आँख पे आ रहा है। और इसका दूसरा माइनस पॉइंट क्या है, जब शुगर मेरी ज़्यादा रहेगी तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बताएगा, 10-20, ठीक है, क्योंकि शुगर 182 थी
और फिर उसके बाद 232 आया एक घंटे के बाद, और तीसरी बार 285 आया, मतलब देखा जाए तो शुगर 100 पार कर गया, यानी कि जौ में भी शुगर है। तो आप इसको अगर 10% वेरिएशन समझेंगे तो मतलब 30 पॉइंट 20 पॉइंट, मतलब शुगर 80 से 100 के बीच में बढ़ रही है। लेकिन इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं, इससे फाइबर ज़्यादा होता है तो धीरे धीरे इसका बॉडी में बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं कि शुगर सब में बढ़ेगा भाई, कोई भी चीज़ खाओगे बढ़ेगा, लेकिन कैसा है कि ये सब चीज़ें खाने से आपको बॉडी में एक इंटरनल ताकत मिलती है और कुछ नहीं। इसलिए आप 2 ही रोटी खाइएगा, इसलिए डॉक्टर आपको क्या बोलता है, हर 2 घंटे में खाइए। इसका कारण यही है कि 2 घंटे में खाने का बोलने का, कि शुगर धीरे धीरे बॉडी में कम बढ़ेगी, फिर आप भूख लगेगी, फिर आप खाएंगे, फिर शुगर बढ़ेगी, जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो मैंने ये वीडियो बना दिया है, अभी मैं एक दवाई खा के वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं रोटी, जौ की रोटी खाऊंगा और प्लस पत्ते खा के आपको दिखाता हूँ कि जो इंसुलिन का पत्ता होता है आपने सुना होगा, तो मेरे पास एक पौधा है इंसुलिन का, अभी गाँव में आया हूँ तो इंसुलिन का पौधा है, तो उसको मैं खा के फिर जौ की रोटी खा के देखेंगे कि कितनी शुगर उससे बढ़ती है या उसे कितना कम रखता है, कंट्रोल रखता है, क्योंकि मैं कोई दवा नहीं खा के वीडियो बनाऊँ, इसकी वजह से ऐसा आ रहा है ये। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।